हेलो ऑल, आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली आज मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसका नाम है डोंट कन्फ्यूज स्वास्तिका विद हिटलर्स नाजी सिंबल। हिटलर पता ही है आपको, बहुत सारे लोगों को मरवाया था उसने, स्पेशली जूस को मरवाया था। और उसकी जो पार्टी थी उसका नाम था नाजी पार्टी, और उसकी पार्टी की आइडियोलॉजी तो जो थी वो थी नाजिज़म। ओके, एंड ये जो वीडियो पोस्ट करी है वर्ल्ड अफेयर के चैनल ने करी है। मैं आपको बता दूँ, अगर आपको नहीं पता तो वर्ल्ड अफेयर पर वीडियो जो डालते हैं वो प्रशांत धवन सर डालते हैं, बहुत अच्छे से करंट अफेयर जियो पॉलिटिकल इशू वो बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, कवर करते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं। ओके, एंड देखो ये कोई रिएक्शन चैनल नहीं है, बट इस वीडियो को दिखाने का पर्पस बहुत ज़्यादा बड़ा है। एज यू ऑल नो कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं, और ये कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसे देखकर आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। कहीं ना कहीं एक पर्सनल इंसिडेंट भी जुड़ा हुआ है इससे, बट पहले हम ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना वीडियो। और मैंने इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी, 1.25x कर दी इसकी स्पीड, क्योंकि आपको बेसिकली तेज़ में भी वीडियो समझ आ जाएगी। ओके, चलो जी वीडियो शुरू कर देते हैं। मैं पहले अपनी ऑडियो बंद कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे जो भी प्रशांत धवन सर बोल रहे हैं। ठीक है, नमस्कार, नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो एक काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गए हैं। दुनिया भर में देखा जा रहा है कि ऑनलाइन जो इंडियंस हैं, इवन जो हिंदूज हैं इन यूएस कनाडा, ये सब आरोप लगा रहे हैं जस्टिन ट्रूडो पर कि ये इंटेंशनली स्वास्तिका को कंफ्यूज कर रहे हैं हिटलर की नाजी जर्मनी के सिंबल से। यहां पर आप देख पाएंगे इस पर आर्टिकल है, डोंट कॉन्फ्लेट स्वास्तिका विद हाकेन क्रूज। हाकेन क्रूज होता है कि हुक क्रॉस, जो ये हिटलर का हुक क्रॉस था ये अलग है, जो हिंदू रिलीजन का स्वास्तिका है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये यूएस बेस्ड हिंदू ग्रुप्स, उसके अलावा वेरियस इंडियंस आज के समय ऑनलाइन कह रहे हैं, ना सिर्फ जस्टिन ट्रूडो को, इवन कनाडा के एक और जो बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन है जगमीत सिंह, जो आज के समय सपोर्ट कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को, इनको भी देखा गया है कि कई इंडियंस ने, और मैं ये कहूंगा आम इंडियंस ने नहीं, जो हमारे देश के बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े लॉयर्स हैं, इन्होंने ये इशू उठाया है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख पाएंगे अभिषेक सिंघवी की ये एक ट्वीट है। अभिषेक सिंघवी बाय द वे कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो ये यहां पर कह रहे हैं जगमीत सिंह को कि देखिए स्वास्तिका और हुक क्रॉस में फर्क होता है, आप लोग आज के समय अपने देश में ये कह रहे हो ना कि स्वास्तिका के झंडे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो यहाँ पे स्वास्तिका की जगह हुक क्रॉस ओपनली लिखो। क्योंकि रिसेंटली हुआ क्या है कि कनाडा में जो ट्रकर्स का प्रोटेस्ट हुआ है वहां पर कुछ इलाकों में, मैं ओवरऑली कहूंगा हर जगह तो नहीं, मगर कुछ सर्टन सेक्शन ऑफ जो पॉपुलेशन था वहां पर जो ये हिटलर की नाजी जर्मनी वाला क्रॉस है इसके झंडे देखे गए। और तब से हम देख रहे हैं कि कनाडा के बहुत सारे पॉलिटिशियन बार बार कह रहे हैं कि स्वास्तिका का इशू है कनाडा में, स्वास्तिका को रिमूव करना होगा। तो जो इंडियंस है और जो हिंदू पॉपुलेशन है कनाडा में और यूएस में वो ये कह रही है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नाजी सिंबल और हिंदू स्वास्तिका, दोनों को कंफ्यूज करके आप हिंदू रिलीजन का अपमान कर रहे हैं। नाउ ये टॉपिक इन डेप्थ डिस्कस करते हैं कि यहां पे इशू क्या है, स्वास्तिका सिंबल और नाजी जर्मनी का जो सिंबल है इसको लेकर बाकी कंट्रीज में क्या कंफ्यूजन है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि कनाडा में दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, आपको बताना है कि ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। ऑप्शन ए इंग्लिश जर्मन, ऑप्शन बी इंग्लिश फ्रेंच, ऑप्शन सी इंग्लिश रशियन, या फिर ऑप्शन डी इंग्लिश स्पेनिश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब देखो ये सारा इशू खड़ा तब हुआ जब जस्टिन ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर, कनाडा के पार्लियामेंट में खड़े होकर एक कंजर्वेटिव पार्टी, अब जिस तरीके से देखो यहां पर इंडिया में राइट विंग पार्टी होती है, लेफ्ट विंग पार्टी होती है, तो कनाडा में भी लिबरल पार्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है ये लिबरल पार्टी में काउंट होती है, इनकी विचारधारा लिबरल पार्टी में आती है। उसके अलावा इनके राइट विंग पार्टीज भी होती है जिनको कहा जाता है कंजर्वेटिव पार्टी। तो जस्टिन ट्रूडो ने एक ज्यूइश एमपी को, और ये कनाडा की बात है, पहली फीमेल ज्यूइश एमपी है, इनको जस्टिन ट्रूडो ने यह कह दिया कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी तो उन लोगों का समर्थन करती है जो हाथ में स्वास्तिका के झंडे लेके घूमते हैं। अब तब से यहां पर यह कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है कि क्या जस्टिन ट्रूडो की जो कॉमेंट है ये ठीक है, क्या एक ज्यूइश एमपी को ऐसा कहना ठीक था। और फिर यहां पर आपत्ति हिंदूज ने अलग से यहां पर उठाई है कि आप स्वास्तिका जो ये वर्ड है ये मत यूज करिए अपने डिस्कशन में, क्योंकि आप नाजी फ्लैग की बात कर रहे हैं। और यहां पे आपको समझना होगा कि किस तरीके से स्वास्तिका जो एक प्राचीन सिंबल है जिसकी शुरुआत तो भारत में हुई मगर बाद में दुनिया भर में फैला, इसको किस तरीके से जो जर्मनी में रेसिस्ट ग्रुप से इन्होंने चोरी कर लिया और बाद में हिटलर ने तो पूरा इस पर ट्रेडमार्क लगाकर नाजी पार्टी का ही सिंबल इसको बना दिया। तो पहली बात तो जो ये वर्ड है स्वास्तिका ये दो शब्दों से बना है, सू का मतलब यहां पे होता है गुड, अच्छा, ऑस्पिशियस, अस्थि का मतलब यहां पे होता है मतलब कि देयर इज, इट इज। और ये सिंबल ना सिर्फ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेरियस रिलीजन में यूज होता है। और ओवर द ईयर्स आर्कियोलॉजिस्ट ने जब डिगिंग करी है यूरोप में, इवन मिडिल ईस्ट में काफी जगह, तो पाया गया है कि स्वास्तिका आपको एक्चुअली दुनिया भर में मिलेगा। दुनिया भर में ही स्वास्तिका को एक टाइम पे माना जाता था कि ये अच्छे फॉर्चून का सिंबल है, ये गुड लक का सिंबल है। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख पाओगे किताब है बहुत ही फेमस, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ स्वास्तिका इन जापान। जापान में आज भी आप देखोगे कई टेम्पल्स हैं वहां पे स्वास्तिका का जो सिंबल है ये आपको ऊपर मिलेगा, और ये कई सदियों पुराना है। मगर बीच में मैं आपको बताता हूं ये होती है आज के समय आप कह लीजिए एजुकेशन की कमी, इंफॉर्मेशन की कमी, के कई कल्चरल सिंबल्स चेंज कर दिए जाते हैं। जापान में आप अगर 2015 में जाते या फिर 2015 से पहले कभी भी जाते तो जो ऑनलाइन नक्शे होते हैं ना वहां पर, ऑनलाइन नक्शे में अगर मान लो उनको बताना था कि यहां पर इस एरिया में एक बुद्धिस्ट टेम्पल है,
तो नक्शे पर सिंबल बना होता था यहाँ पर स्वास्तिका का ये। मगर फिर जापान में एक के बाद एक होने थे बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स, रग्बी चैंपियनशिप होनी थी, उसके अलावा जापान में ओलंपिक्स होने थे, तो कई फॉरनर्स जब जापान में आ रहे थे तो वो मैप को देख कर सड़क जाते थे, क्योंकि फॉरनर्स जो ज्यादातर यहाँ पे आ रहे हैं वो अमेरिकन या यूरोपियंस है, वो तो यही मानते हैं वर्ल्ड वॉर टू देख कर कि ये जो सिंबल है ये हिटलर की नाजी पार्टी से एसोसिएटेड है, तो वो पूछते थे कि नक्शे में ये स्वास्तिका या फिर नाजी जर्मनी का जो सिंबल है ये क्यों बना हुआ है। तो जापान ने एक बार को आकर क्या किया के नक्शे में से स्वास्तिका का सिंबल कंप्लीटली रिमूव कर दिया, इसकी जगह पगोडा का जो सिंबल है ये डाल दिया नक्शों में। अब वापस इसको ये स्वास्तिका करेंगे नहीं करेंगे उसका मुझे पता नहीं, मगर ओलंपिक सकते इन्होंने यहाँ पर ये चेंजेस कर दिए थे। तो ये देखिए आज के समय इंपैक्ट है मिस इन्फॉर्मेशन का, और मैं कहूँगा कि यहाँ पर गलती इंडिया की है। इंडिया ने कभी प्रॉपरली डैमेज कंट्रोल किया नहीं जो स्वास्तिका को हुआ था, कभी हमारे लीडर्स ने ओपनली वर्ल्ड स्टेज पर ये नहीं कहा कि देखिए हिटलर ने एक बहुत ही प्राचीन सिंबल को जो चाइना जापान यूरोप हर जगह यूज किया जाता था उसको गलत तरीके से यूज किया है, और हिटलर की डोमिनेशन जर्मनी में मुश्किल से 10-15 साल नहीं रही, तो उन 10-15 सालों को आप पुरानी जो हजारों सालों की हिस्ट्री है उस पर हावी नहीं होने दे सकते। ओवरऑल आपको स्वीकार करना होगा कि स्वास्तिका एक बहुत ही पॉजिटिव सिंबल है, बहुत सारे कल्चर्स में इसकी बहुत ही सीक्रेट वैल्यू है। तो सिंस इंडिया की तरफ से ये बात आई नहीं, और हिटलर का भी वैसे मैं आपको ये बता दूं बहुत ही अजीब सी कहानी है, ऐसा नहीं है कि हिटलर ने खुद ही जो ये होट क्रॉस है नाजी जर्मनी का ये अपने आप ही उठा लिया था, इसके पीछे भी बहुत ही यूनिक स्टोरी है। क्या हुआ कि 1815-1860 के आसपास जर्मनी का एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट था हेनरिच शेलमैन, ये टर्की में खुदाई कर रहा था और वहां पे उसको बहुत सारे बर्तन मिले, प्राचीन बर्तन जहां पर स्वास्तिका का साइन बना हुआ था। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ, उसको ये पता था कि ये साइन इंडिया से रिलेटेड है, हिंदू कल्चर से रिलेटेड है, तो इसने यहां पर लिखना स्टार्ट कर दिया कि जरूर कहीं ना कहीं ये एक लिंक है जर्मन पॉपुलेशन और ये मिडिल ईस्ट पॉपुलेशन और इंडियन पॉपुलेशन के बीच में, जरूर कल्चर इंडिया से होते होते बिल्कुल यूरोप तक पहुंचा है, जो बात सही है। संस्कृत आप अगर देखो तो कई भाषाओं का ओरिजिन है, कई भाषाएं दुनिया भर में जो संस्कृत से ही निकली, मगर उस वक्त 1890 के आसपास जो ये जर्मनी के हिस्टोरियन थे इन्होंने ये बात बहुत ज्यादा फेमस कर दी जर्मनी में कि जर्मनी के लोग एक्चुअली आर्यन रेस को बिलोंग करते हैं और आर्यन रेस का दबदबा एक बार को जर्मनी से लेकर इंडिया तक हुआ करता था। अब ये जो आर्यन रेस का कॉन्सेप्ट है बाद में जर्मनी में जो बहुत सारे रेसिस्ट लोग हैं, जो रेसिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं हिटलर से भी पहले, जी हाँ हिटलर से भी पहले जो बहुत ज्यादा रेसिस्ट विचारधारा के लोग थे, इन्होंने ये सिंबल जो है हुक क्रॉस का ये उठा दिया और इसको ये लोग बहुत ही प्राउडली पहनना स्टार्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या इसका मतलब ये है कि जर्मन ये मानते थे कि इंडियंस भी आर्यंस हैं और जर्मन और इंडियन रेस सेम है, तो इसका आंसर है नहीं। जर्मनी में जो ये नाजी पार्टी थी, जो हिटलर की पॉलिटिकल पार्टी थी, उससे पहले की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वहां के जो इनके सो कॉल्ड बड़े थिंकर्स थे उन्होंने अपनी एक थ्योरी निकाल दी कि एक जमाने में आर्यन रेस का दबदबा हुआ करता था मगर बाद में रेस मिक्सिंग बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए इंडियंस का आज के समय कलर बहुत ज्यादा डार्क होता है, स्किन का बाल का कलर काफी हद तक डार्क है, जबकि आप अगर देखो यूरोप में तो यहाँ पे प्योर आपको आर्यंस मिलेंगे जिनके ब्लड मिक्सिंग नहीं हुई अभी तक। और इसके बारे में एक प्रॉपर कोट है बाय नाजी आइडियोलॉजिस्ट अल्फ्रेड रोजनबर्ग, और एक किताब में भी इसके बारे में मेंशन किया गया है, किताब का नाम है द स्वास्तिका सिंबल बियॉन्ड रिडेम्पशन, बहुत अच्छी किताब है अगर आप एडिशनल जानना चाहते हैं स्वास्तिका की हिस्ट्री के बारे में। तो चाहे मॉडर्न डे इंडियंस को लेकर हिटलर का कुछ खास ओपिनियन था नहीं, हिटलर ने काफी बार रेसिस्ट कमेंट्स भी करी थी इंडियंस को लेकर, मगर प्राचीन इंडिया जो था जहां से संस्कृत आई थी, जहां से वैदिक कल्चर आया था, उसको लेकर जर्मन बहुत ही मैं कहूंगा एक्साइटेड फील करते थे, उनको लगता था कि उनके पूर्वज भी वहीं से आए हैं, उनका कहीं ना कहीं उससे एक लिंक है, तो इसलिए हिटलर ने बहुत ही क्लेवरली जो ये हुक क्रॉस है ये उठा लिया, इसको थोड़ा सा टेढ़ा भी कर दिया और आसपास जो ये लाल कलर है ये भी ऐड कर दिया, और ये फिर देखा गया कि हर जर्मन सोल्जर, हर जो नाजी जर्मन सोल्जर है, जो नाजी जर्मनी पार्टी का आदमी है, उसकी बाजू पर ये बैंड बंधा होता था। और उसके बाद आप सबको बताया कि हिटलर ने किस तरीके से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ज्यूज को मार दिया। आज के समय आप इसराइल में देखो तो जो ये होट क्रॉस वाला सिंबल है ये बहुत ही बड़ी एक इंसल्ट मानी जाती है, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव माना जाता है, दुनिया भर में ऑफेंसिव माना जाता है, मगर मैं ये कहूंगा कि इंडिया को आज के समय कोशिश ये करनी चाहिए कि स्वास्तिका का जो ओरिजिनल मीनिंग है इसको हम रिक्लेम करें, और इसके लिए हम यूएन के थ्रू यूनेस्को के थ्रू अवेयरनेस ला सकते हैं इस बात को लेकर कि प्लीज दोनों में डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन है, दोनों को कंफ्यूज मत करिए। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि दोनों में दूर से देखो तो सिमिलरिटी दिखती है और हिटलर ने काफी डैमेज कर दिया है, तो डैमेज अब रिवर्स कर सकते हैं हम। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक आपने रेड क्रॉस के बारे में सुना होगा, रेड क्रॉस संस्था भी होती है, आपने ये भी देखा होगा रेड क्रॉस दुनिया भर में एड भी प्रोवाइड करता है, तो जो ये रेड क्रॉस है ये डायरेक्टली रिलेटेड है क्रिश्चियनिटी से, और इसलिए जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पे रेड क्रॉस को ये अलाउ नहीं करते, वहां पे उनका खुद का होता है क्रिश्चियन क्रॉस। तो जो ये रेड क्रॉस है ये बहुत ज्यादा पुराना है, मगर एक टाइम पर अमेरिका में ग्रुप था के करके, कू क्लक्स क्लान की फुल फॉर्म थी, ये भी हिटलर जैसी जो विचारधारा है कि जो सफेद स्किन के लोग हैं ये ज्यादा ताकतवर होते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट होते, इस विचारधारा पर बिलीव रखता था। तो यहाँ पर आप देखोगे रेड क्रॉस और ये जो ये के वाला जो सिंबल है इसमें बहुत ज्यादा आपको सिमिलरिटी मिलेगी, मगर आज के समय अमेरिका में ये सिंबल बैन है, ये ग्रुप बैन है, मगर रेड क्रॉस बैन नहीं है। सबको अच्छे से पता है कि इस सिंबल में, ये जो सिंबल है यहाँ पर, इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, दोनों के मतलब कंप्लीटली डिफरेंट है। तो सेम काम इंडिया को भी यहाँ पे करना होगा, अवेयरनेस फैलाकर कि देखिए जो हुक क्रॉस है दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट, इसको बैन करना है वो अलग बात है, मगर स्वास्तिका को बैन मत करिए, इट इज ए वेरी सीक्रेट सिंबल इन बुद्धिज्म जैनिज्म एंड हिंदू रिलीजन। नाउ वापस आते हैं एमसीक्यू की तरफ, कि कनाडा की जो दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ये कौन कौन सी है, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंग्लिश एंड फ्रेंच।
चलो यार अपने वीडियो देखी। बेसिकली आपको देखो दो चीज़ें पता चली होगी। पहले तो हिटलर के बारे में बहुत सारे लोगों को मरवाया था, ये बात आपको पता है। एंड अब आपको देखो वीडियो देखने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि जो हिटलर का जो ये साइन था, हिटलर का सिंबल था, दैट इज़ हकिन क्रूज, जिसका मतलब होता है हुक्ड क्रॉस, इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्वास्तिका। ये बिल्कुल स्वास्तिका से बिल्कुल अलग था। और वीडियो के अंदर सर ने एक और बात बोली कि इंडिया को स्वास्तिका का जो ट्रू मीनिंग है ना, वो लोगों के सामने मतलब UN और UNESCO की मदद से इसको रिक्लेम करना चाहिए। ये बात थोड़ी सी अजीब है। ये अजीब सी क्यों बात है ये मैं आपको बताऊंगा। और पहले तो और एक चीज़ दिखानी भी आपको, वो भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक पर्सनल इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो मैंने बोला था, जो एक पर्सनल इंसिडेंट जुड़ा हुआ था। ठीक है, देखो स्वास्तिका एक ऐसी चीज़ है जो बहुत यूज़ होता है इंडिया में। ठीक है, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, आपके घर पे पेरेंट्स आपके घर के बाहर ही स्वास्तिका बनाते हैं। और ये है ना, कोई आप इसको पर्टिकुलर रिलीजन की तरह मत देखना। ठीक है, क्योंकि सर ने ही बताया था कि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू लाइक ओनली हिंदू रिलीजन, ऐसा नहीं है। आप अगर देखोगे तो जैन, मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, जो अलग अलग रिलीजन से हैं, जैन है, बहुत सारे बुद्धिस्ट है, घर के बाहर, ठीक है, घर के बाहर वो स्वास्तिका बनाते हैं दिवाली पे और भी बहुत सारे फेस्टिवल पे, घर पूजन पे, ये सारी की सारी चीज़ें होती है। तो ये है ना कहीं हमारे कल्चर से है। व्हेन आई से कल्चर यानी इंडियन कल्चर, ठीक है, आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन से मत जोड़ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जो बात बोलने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनना। तो अब क्या है कि अब मैं बताता हूँ, बेसिकली ये वीडियो मैं बता दूँ कुछ टाइम पहले बनाना चाहता था, बट ये इशू जो है वो बहुत ज़्यादा उठा हुआ था और मैं नहीं चाहता था कि बिना बात के एक पॉलिटिकल इशू बन जाए इस चीज़ का। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब शांत हो जाएगी तब इसके बारे में बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड है और बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ इस वीडियो से मैं। इसलिए देखो हुआ क्या था कि अभी कुछ टाइम पहले जब बेसिकली घर पूजन होता है, यानी कि जब आप नया घर परचेज करते तो पूजा वगैरह होती है, तुम्हारे घर पर पंडित जी आए हुए थे। ओके, और पंडित जी जब वो आए हुए थे ना, तो उन्होंने थाली मांगी थी, एक बच्चे से थाली मांगी थी, मैं बताऊंगा नहीं, पता चली जाएगा आपको वैसे कौन सी क्लास का है। तो उसे थाली मांगी थी, तो वो खड़ा हुआ वो थाली लेने के लिए, तो मेरी मदर ने पूछा कि पंडित जी किस काम के लिए चाहिए। तो फिर वो बच्चा आया, पंडित जी से पूछा पंडित जी किस काम के लिए चाहिए, तो पंडित जी ने उसको बोला कि स्वास्तिका बनाना है, थाली पे स्वास्तिका बनाना है। ठीक है, तो वो कह रहा है हिटलर वाला। उस टाइम तो मैंने ये बात है ना इग्नोर कर दी, मैंने कहा ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं। ऑल्दो मेरे को पता है ये बात उसने क्यों बोली, ये बात मेरे को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरे को पता है ये बात उसने कहाँ से सीखी। बट आप देखोगे ना, बाद में मेरे को एहसास हुआ कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है कि एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। अब आप एक बच्चा सोचो, वो सोच रहा होगा कि यार मतलब हम घर पूजन कर रहे हैं और मतलब स्वास्तिका बना रहे हैं, और स्वास्तिका को वो हिटलर से कंपेयर कर रहा है और सोच रहा है कि ये हिटलर का सिंबल है। और एक एक दिमाग में एक सोच नहीं आती होगी कि यार घर में पूजन हो रहा है, पूजा हो रही है, और हम क्या बना रहे हैं, ऐसे बंदे का सिंबल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिसको वो समझता है कि वो हकेन क्रूज नहीं, वो स्वास्तिका है, वो ये सोच रहा है कि एक ऐसे मर्डरर को हम प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने बहुत सारे लोगों को मरवाया। आप इस नज़रिए से सोचो इसे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं क्यों बता मतलब उस लड़के को ये क्यों लगा और उसने वो स्वास्तिका क्यों बोला, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये अगर आप जाओगे ना, NCERT एक ऐसी बुक है जो ऑल ओवर इंडिया जहाँ तक मेरे को पता है यूज़ होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और आप इसकी ये वेबसाइट पे जाओगे तो आपको टेक्स्ट बुक PDF मिलेगी। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा। ठीक है, आप इसे ओपन करोगे क्लास वगैरह, और ये मैंने इग्निटो मोड पे खोला हुआ है क्योंकि डायरेक्टली पता नहीं क्यों नहीं खुलती अभी NCERT की साइट। मैंने बहुत बार ट्राई किया क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ तो मेरे को PDF डाउनलोड करनी पड़ती है। तो उसके बाद क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री की जो बुक है जिसका नाम है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, फर्स्ट सेकेंड पार्ट 10th का है। तो फर्स्ट पे जाओगे और चैप्टर नंबर 3 जब आप ओपन करोगे ना, ये वाला ओपन, उसका नाम है नाजीज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर। पहले तो मैं बता दूँ बहुत अच्छे से इस चैप्टर को जिसने भी लिखा अच्छे से समझाया है कि बेसिकली हिटलर ने क्या क्या गलत काम किए, हिटलर था कौन, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो शायद आपको चौंका दे। जब सर ने बोला ना कि इंडिया को इसका ट्रू मीनिंग एक्सप्लेन करना चाहिए, और आपने देखा कि दूसरी कंट्रियों में, चाहे वो US हो चाहे कैनेडा में हो, इसके लिए आवाज़ उठ रही है कि डोंट कन्फ्यूज विद स्वास्तिका एंड हकेन क्रूज, ये कन्फ्यूज़ मत करो। और मैं आपको एक चौंकाने वाली चीज़ दिखाता हूँ, ये वर्ड लिखा हुआ है स्वास्तिका, तो इसमें लिखा हुआ है कि रेड बैनर पर स्वास्तिका सिंबल यूज हुआ था। तो जब हम खुद कन्फ्यूज हैं, हम खुद अपनी बुकों के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और देखो मैं बताता हूँ ये एक सीरियस प्रॉब्लम। अब एक 9th वाला बच्चा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर हकेन क्रूज लिखा है, स्वास्तिका लिखा है, पर
जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो इस चीज़ को लेकर उसे बहुत दिक्कत आएगी। मैं समझाता हूँ आप कैसे। मान लो एक जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, बहुत कंट्रीब्यूट करा आज़ादी में, बहुत अहम रोल था उनका। ओके, अगर मैं आपको फर्स्ट क्लास से पढ़ाता हूँ कि नहीं जी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो गलत आदमी है, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ आपको, पढ़ाता हूँ आपको बुक में, आप 12th तक आते आते कुछ हो ना हो, आप एक चीज़ तो कंफर्म है, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में गलत ही सोचोगे 101%। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, अगर मैं आपको इंडिया के बारे में फर्स्ट क्लास से कुछ गलत समझाऊँ ना, तो जो आपकी मिट्टी है ना, जिस पे आप पैदा हुए हो, जिस ज़मीन पे आप पैदा हुए हो, आप उसके भी खिलाफ़ हो जाओगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये देखो, 9th क्लास में जब बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाई जाती है ना, तो वो इग्नोर करके निकल जाता है, उसको कोई इतना लेना देना नहीं है, वो इतना ये बात नहीं समझ पाता, बट एंड में जाके वो कहीं ना कहीं इसको कोरिलेट करने लग जाता है अपने आप से। यार मेरे घर पे आप एक बच्चे के नज़रिए से सोचो, जब कोई बच्चा 9th में पढ़ता है, 10th में पढ़ता है, ओके, और वो देखता है कि यार दिवाली होली मेरी मम्मी ही कुछ ना कुछ करती है, वो घर के बाहर वो हिटलर को प्रेस करने के लिए वो हक एंड क्रूज या स्वास्तिका बनाती है, तो आप सोचो उसके माइंड में क्या आएगा। ठीक है, और देखो इस वीडियो को बनाने का पर्पस कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल इशू रेज करना नहीं है, वैसे अगर ये चीज़ चेंज हो तो अच्छी बात है, और अगर ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है बाद में हो तो, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े बड़े इशू हैं जो जिनको पहले टैकल करना ज़रूरी है, ये फ्यूचर के लिए दिक्कत है, अगर ये सही हो तो ज़्यादा अच्छा है। बट मैं बेसिकली आपको बताना क्या चाहता हूँ, बताना मैं ये चाहता हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया ना, नाजीज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर, तब मैंने भी यही चीज़ पढ़ाई, मैंने भी स्वास्तिका ही पढ़ाया। ठीक है, क्योंकि एक 9th क्लास के बच्चे को मेरी फिलॉसफी से कोई लेना देना नहीं है, मैं कितना ज्ञान बांट रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है, और अगर वो एग्ज़ाम में स्वास्तिका लिख के आएगा इसके अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग, तभी उसके मार्क्स मिलेंगे। ओके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, खासकर मैं SST की बात करना चाहूँगा। हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री टफ होती है ना, जो लिख रहा है ना उसके लिए भी टफ होती है, क्योंकि वो चीज़ें बीत चुकी है, बट ऐसी चीज़ें जिससे वो बंदा खुद के ही अपोज में होशा, ये बात तो गलत है ना। तो मैं बस आपको इतना बोलना चाहता हूँ, जब मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे मैं भी एग्री नहीं करता, बट वो मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो बुक में लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ पढ़ाता हूँ। ओके, और ये एक चीज़ नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं उस पर नहीं जाऊँगा। ठीक है, और बस बताना चाहता हूँ आपको कि कभी भी अगर आपको कोई कोई चीज़ लगे जो आपसे रिलेटेड हो, और मैं यहाँ पर सबकी बात कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी इंडियन की बात कर रहा हूँ, अगर कभी भी कोई बुक आप पढ़ो जहाँ पर आपको लगे कि यार ये चीज़ होनी चाहिए तो गलत है ये, तो वेरीफाई ज़रूर किया करो। ठीक है, वेरीफाई किया करो और बुक वगैरह पढ़े करो इसके बारे में, इंटरनेट पे सर्च करे करो, क्योंकि देखो साइंस और मैथ्स का शायद आपकी सोशल लाइफ पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े जितना सोशल साइंस का पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे लोग समझते हैं सोशल साइंस वेस्ट सब्जेक्ट है, वेस्ट है, आप मान सकते हो सोशल साइंस वेस्ट है, बट आपको सोसाइटी से जोड़ के रखता है। ठीक है, तो इसलिए बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ भी आप पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसको वेरीफाई ज़रूर करना है। ठीक है बच्चे, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई हो। और एक बात मैं इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले मैं बता दूँ, ये वीडियो एक 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 छोटे से पर्पज़ के लिए, सिर्फ बच्चों को एजुकेट करने के लिए बनाई है, इसका कोई पॉलिटिकल इशू मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा वीडियो कट करके अपने उसमें डाल दे कि ये देखो ये बुक में क्या लिखा हुआ है, ये पर्पज़ नहीं है। और राम जी की कसम, अगर किसी ने कमेंट में एक दूसरे को के बारे में कुछ गलत बोला, या एक दूसरे के बारे में किसी रिलीजन के बारे में, क्योंकि ये रिलीजन इशू है ही नहीं, मैंने बताया है कल्चर इशू है, एक नेशन इशू, मतलब एक नेशनल इशू कह सकते हो, जो पूरी कंट्री को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब इंडिया को बेसिकली जब देखा जाता है ना कल्चर के हिसाब से देखा जाता है, और कोई भी बंदा दूसरी कंट्री का ये बता सकता है, इंडिया के हर घर पे आपको स्वास्तिका मिलता है, तो वो इंडिया के बारे में गलत सोचता है, तो इसलिए एक नेशनल इशू है। ठीक है, तो ना ही ये पॉलिटिकल इशू है, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि ये जो बुक है ये जहाँ तक मेरे को पता है 2014 से पहले भी सेम थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या पार्टी क्या नहीं, बट ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में लड़ना नहीं, बट आपका क्यों ओपिनियन है कि ये चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या जो पढ़ा रहे हैं वही होना चाहिए, या इस मतलब लिखा स्वास्तिका होना चाहिए बट ये बताना चाहिए कि स्वास्तिका को हिटलर ने अलग से यूज़ किया, ये ज़रूर बताना, बट बिल्कुल भी एक दूसरे के बारे में गलत नहीं लिखना, एक दूसरे के रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, है ना, लैंग्वेज बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो कमेंट डिलीट होगी, शायद कमेंट ऑफ हो जाए या वीडियो डिलीट हो जाए। ठीक है बच्चे, चलो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।